हेलो फ्रेंड, वेलकम टू संकल्प एंड मम्मा ब्लॉग। सो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुर्तियों का कलेक्शन शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और ये जितनी भी कुर्तियाँ मेरे पास हैं, सारी 600 से 700 से ज़्यादा की रेंज की नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत कुर्तियाँ हैं। और मेरे पास बहुत ज़्यादा ही कुर्तियों का कलेक्शन है, अलग अलग पैटर्न का है, बहुत ढेर सारी कुर्तियाँ हैं। तो मैंने कुछ कुर्तियाँ आप लोगों के साथ उनका कलेक्शन शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरी कुर्तियों का कलेक्शन पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड, चलिए दिखाते हैं अपनी कुर्तियों का कलेक्शन आपको। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड, मेरी सबसे पहली कुर्ती ये है, ये देखिए, जो कि मोतियों के वर्क से की गई है और बहुत खूबसूरत कुर्ती है। इसको पहनने के बाद बहुत रॉयल लुक आता है। और इसमें ये देखिए, जो ये मतलब मोती वर्क किया गया है, बहुत ही प्यारा लुक देता है आपको और बहुत ही अच्छी लगती है। इसको पहनने के बाद में आप मतलब बहुत रॉयल लुक आता है। और ये देखिए कुर्ती, तो ये इस तरह ये पूरा किया हुआ आया था। और ये कुर्ती मुझे बहुत प्यार अच्छी लगती है। और आज जब मैं ये बॉडी पे डालती हूँ, तो इसका एक नया लुक निकल के आता है, जो कि इसकी स्लीव है 3 1/4 हाफ। तो और इसका जो नेक है वो गोल है, और कलर इसका नेवी ब्लू कलर है। बहुत ही अच्छा लुक आता है इस कुर्ती को। और ये कुर्ती मैंने 700 में परचेज की थी। जब मैंने परचेज की थी, फर्स्ट टाइम ही इसे देखा था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा लुक आता है इसको पहनने के बाद कि आप बिल्कुल यूनिक पैटर्न लगेगा ये आपके ऊपर। तो ये मेरी रही फर्स्ट कुर्ती। अगेन ये मेरी सेकेंड कुर्ती, जो कि मैं इसे ऑनलाइन परचेज की थी, और इसे मैंने मिंत्रा के थ्रू मंगाया था। और ये भी कुर्ती अपनी मतलब अपनी जगह बहुत यूनिक है और बहुत ही अच्छी कुर्ती है। ये देखिए, इस पे इस तरह का प्रिंट है, जो कि एक अलग लुक देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें ये इसका बाजू ये भी 3 1/4 है, और ये नेक इसका गोल है, और यहाँ पे ये देखिए वी नेक, ये जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें ये ग्रीन कलर के टैसल्स दिए हैं, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। और आप अगर इसे प्लाजो के साथ वेयर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक नया लुक निकल के आता है। और यार, क्रीम कलर की कुर्तियाँ तो सभी पे बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा एफोर्ड मतलब बहुत ही सस्ती ये कुर्ती है। इसे मैंने 400 में परचेस की थी। और तो इसकी जो लंबाई ये नी लेंथ तक है, और काफ़ी अच्छी कुर्ती है। इसे मैंने 2-3 बार वियर भी किया है, देखने में बहुत ज़्यादा ही यूनिक एंड बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये मेरी सेकंड कुर्ती, एंड ये कलर रेड कलर, बहुत प्यारा रेड कलर। इसको पहनने के बाद जैसे एक टीचर लाइक लुक आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इस पे आप ये देखिए, वाइट कलर की जो बूटियाँ दी हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं, और गोल्डन कलर की भी बूटियाँ दी हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर, मोस्ट ऑफ द वन मेरी फेवरेट कुर्ती है, और बहुत ही अच्छी कुर्ती है। और इसका ये कॉलर टाइप में नेक है, ये देखिए कॉलर टाइप में नेक। और इसके पूरी जो पूरी कुर्ती में है, पूरा बटन से ये पूरा बटन लगा हुआ है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुर्ती है। इसकी भी बाजू 3 1/4 हाफ है, और इसकी बाजू में भी ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक लुक देता है, बहुत ही अच्छा है। और यार, रेड कलर तो सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखिए। तो ये मेरी थर्ड कुर्ती है, इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट
बहुत ज्यादा फेवरेट, बहुत ज्यादा यूनिक, बहुत ज्यादा अच्छी कुर्ती, बहुत ही इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। इस पे देखिए ये थ्रेड वर्क है और चिकन का वर्क है, बहुत ही अच्छा वर्क है और काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे गोल गले में इन्होंने वी नेक दिया है, काफी अच्छा लगता है। और इसकी भी स्लीव 3 4/2 है और काफी खूबसूरत है। ये देखिए ये भी पूरी नी लेंथ तक है, बहुत अच्छी लगती है। आप इसे अगर व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ वियर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक अलग सा निकल के आना और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगना। तो ये मेरी कुर्ती है जो कि फोर्थ नंबर पे है और बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देखिए इसके पीछे राउंड नेक दे रखा है, काफी सुंदर और काफी अच्छी है। तो फ्रेंड ये देखिए, और ये जो इसके गले पे डिजाइन दी गई है बहुत खूबसूरत डिजाइन है, बहुत ज्यादा ही अच्छी डिजाइन है। ये देखिए इसको पहनने पे आप क्या कहते हैं, बहुत अलग से, और आप पे ये कुर्ती एकदम फिट, बहुत ज्यादा ही फिट बैठती है, काफी अच्छी लगती है। आप इस पे ये देखिए मिरर वर्क है प्लस थ्रेड वर्क है और इसकी ये नेक बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिए ऐसे इस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, काफी सुंदर है और बहुत ज्यादा ही अच्छी है। ये देखिए तो ये है इसकी फुल एम्ब्रॉयडरी, काफी खूबसूरत है। और इसकी भी थर्ड एंड फोर्थ में, मोस्टली कुर्तियों में थर्ड एंड फोर्थ का ही मतलब स्लीव रखती हूँ और मुझे ये बहुत पहनने में कंफर्टेबल होती हैं। आप इसे घर में भी वियर कर सकते हैं एंड मार्केट वगैरह या कहीं भी आइए आप आसानी से वियर कर सकते हैं। और ये इसमें पीछे से राउंड नेक दे रखी है, ये भी नी लेंथ की है और बहुत प्यारा कलर है, ये पिंक कलर है, काफी अच्छा लगता है पहनने पर। और एक इसकी सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है। मेरी मोस्टली जितनी भी कुर्तियां हैं यार सारी कॉटन की हैं और कॉटन के कपड़े ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये मेरी फिफ्थ कुर्ती थी। अगेन फ्रेंड मैं आप लोगों के साथ अपनी एक वन ऑफ द मोस्ट येलो किसे नहीं पसंद होता है, सभी को पसंद होता है और बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने एक मॉल से परचेज की थी, बहुत ज्यादा ही मैंने इसे काफी बार वियर किया है लेकिन ये कभी मुझे पुरानी नहीं लगती। हमेशा जब भी आप इसे वियर करते हो तो बहुत नई और बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड इस पे ये ऐसा वर्क किया गया है, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी भी है और ये सामने से बटन दे रखे हैं, ये बटन पूरा नीचे तक जाता है। ये देखिए आगे से ये स्लिट कट दे रखा है, बगल से भी कट दे रखा है। ये देखिए ये कट दे रखा है और बहुत खूबसूरत है। तो राउंड नेक 3 4/4 इसके साथ जो ये व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है इसे एक नया लुक देता है, बहुत ही आप मतलब मोस्टली लोग थर्सडे को येलो कपड़ा पहनते हैं तो ये पार्टी वियर। तो ये मेरी सिक्स्थ कुर्ती थी। अगेन मैं अपनी सेवन्थ कुर्ती आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ और ये है मेरी सेवन्थ कुर्ती, ये भी मेरी बहुत फेवरेट है। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और ये भी काफी अच्छी कुर्ती लगती है, बहुत ज्यादा ही यूनिक है। एंड ये इसके लोअर बॉटम पार्ट में ये ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं बॉर्डर लुक लाइक दे रखा है और काफी खूबसूरत कुर्ती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और इसका ये गला ये देखिए, इसको मैंने ऐसे ही परचेज किया था और बहुत खूबसूरत लगती है। और इसमें ये शोल्डर बाजू नहीं है, स्लिट नहीं है, आगे ये देखिए बटन के साथ टैसल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। और यार इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा प्रिंट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
और ये भी एक कॉटन की कुर्ती है और इसकी नी लेंथ से ज्यादा लंबाई है। आप इसे हील वगैरह या किसी भी उसमें जीन्स के साथ या हील के साथ आप वेयर कर सकते हैं, बहुत ही अधिक यूनिक लुक निकल के आता है। तो ये मेरी फ्रेंड सेवंथ कुर्ती थी जो कि बहुत ही पसंद है, और ये जितनी भी कुर्तियां हैं यार ये सारी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो एक मैं एक कुर्ती और अपनी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये देखिए, ये राउंड नेक की है और ये ऑफ शोल्डर है, प्लस ये देखिए इसमें अम्ब्रेला टाइप का स्लीव दे रखा है। ये भी पहनने पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ज्यादा पार्टी वियर कुर्ती है, आप पार्टी में भी इसे मतलब छोटी मोटी पार्टी में वियर कर सकते हैं। और ये नीचे से ऐसी है और सामने इसके ये देखिए स्लीव आगे खुला हुआ है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, ये देखिए। तो फ्रेंड ये कलर बहुत ज्यादा प्यारा है और मुझे सिल्वर कलर बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, सॉरी सिल्वर नहीं, ग्रे कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ही अच्छी कुर्ती है। तो सो फ्रेंड ये मेरी कुर्तियों का कलेक्शन था, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और भी कुर्तियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे पास कुर्तियों का बहुत ज्यादा ही कलेक्शन है और आप उसमें ड्रेस हैं, कुर्तियों के ड्रेसेस हैं और अम्ब्रेला कुर्ती हैं, बहुत सी कुर्तियां हैं जो कि आजकल के पैटर्न में चल रही हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर तो फ्रेंड मेरी कुर्तियां आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय।